सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। वहीं अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी इस सियासत में कूद पड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल शुक्रवार को जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजद द्वारा पार्टी कार्यालय के लिए जमीन मांगे जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जमीन आसमान से लाएंगे क्या, लेकिन जब जदयू विधायक द्वारा ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस पर भड़की रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, आसमान से जमीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पे मुंह में दही जमा लेते हो। बता दें कि उन्होंने तेजस्वी यादव की ट्वीट को रीट्वीट किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ट्वीट किया था और लिखा था कि जेडीयू कार्यालय 66,000 वर्ग फीट, एमएलए 41, बीजेपी 52,000 वर्ग फीट, एमएलए 74, आरजेडी 19,842 वर्ग फीट, एमएलए 75। अब माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आदतन गुस्सा आ गया। जदयू ने विधायकों के फ्लैट तोड़ जमीन कब्जाई है। दरअसल पूरा मसला जगदानंद सिंह के उस पत्र के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने पटना में राजद कार्यालय के लिए जमीन मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा में 3 नंबर की पार्टी जेडीयू को सरकार ने ऑफिस चलाने के लिए लगभग 2.5 बीघा सरकारी जमीन दे रखा है। बीजेपी के पास उससे थोड़ा कम जमीन है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद को दफ्तर के लिए तकरीबन 15 कट्ठे के रकबे वाला मकान मिला है। जगदानंद सिंह के पत्र के बाद शुक्रवार को जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो वो झुंझला गए। नीतीश ने कहा, वो जो बोलता है उसी से पूछिए, आसमान से लेकर जमीन दे दे क्या। जगदानंद सिंह बोले, नीतीश जी जो पाप करता है वही आपकी तरह झुंझलाता है। अगर आप में और आपकी सरकार में हिम्मत है तो सिर्फ इतना बताइए कि आपके आवास और पार्टी दफ्तर में कितना सरकारी पैसा उड़ाया गया। जगदानंद सिंह ने बीते दिनों फिर से नीतीश कुमार और जदयू से बेहिसाब सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उनसे हिसाब किताब मांगा है। बता दें कि वहीं हाल में जदयू के विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में सिर्फ चट्टी बनियान पहनकर सफर करते नजर आए। इसके बाद उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी होने लगी, जबकि जदयू विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान पेट खराब होने के कारण केवल अंडरगार्मेंट्स पहने थे।